हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप लोग को लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिन लूटा था, और आज हम लोग आयरन फार्म बनाने वाले हैं। और ये रही उसकी सामग्री, मतलब सब सामान जो जो चाहिए हमें, ठीक है। और पिछला वीडियो आया हुआ है, पूरे 2 महीने हो चुके हैं गाइस जो हम लोग ने बेसिन लूटा था। तो ये वीडियो क्यों लेट आ रहा है, तो उसका जल्दी ही आपको जवाब मिलेगा। एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है बस, और पीछे आपको दिख चुका होगा थोड़ा सा, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है जो दिखा आपको अभी, वो नहीं है। उसको रेनोवेशन में जाएगा अभी, वो कुछ अलग अलग होगा। मैं आपको डायरेक्ट आपको उसको टूर वीडियो में दिखाऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में कभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो माइनक्राफ्ट का जब भी आएगा, तब तक शायद बन गया होगा। हाँ, शायद तब तक बन जाना चाहिए वो, ठीक है। तो चलते हैं अपने आयरन फार्म की तरफ बिना वक्त जाए कि जहां हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि आयरन फार्म होता है कि विलेज से आपको, मतलब अपने विलेज से या फिर कहीं विलेजर का बेड है, कहीं भी कोई सही बेड से 100 ब्लॉक के दूरी में बनना चाहिए, ठीक है। वो 100 ब्लॉक का दूरी ये रहा यहाँ पे, मतलब मैंने कोऑर्डिनेट्स पूरे चेक किए अपने, ठीक है। आप भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, मैंने अपने विलेज से लेके यहाँ तक का कोऑर्डिनेट्स मैंने देखा, तो ये परफेक्ट जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टावर बिल्ड करेंगे अपना 8 ब्लॉक्स का, ठीक है। आप ब्लॉक्स देखते रहिएगा नीचे हॉट बार में, वो जितना भी ब्लॉक कम होगा उतना, मतलब हमें करना है अभी 8 ब्लॉक करना है, 8 8 8 8 8, ठीक है, 8, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या करना है हमें, तो यहाँ से अब हमें दो, मतलब चारों तरफ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म टाइप बनाना है, ताकि उस पर हम लोग बेड रख सकें, क्योंकि बेड के बिना यहाँ पर आयरन फार्म काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें जॉम्बी की ज़रूरत नहीं है, जॉम्बी मॉब कुछ ही मॉब की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा इजी है, क्योंकि जॉम्बी को लाने में यार आपको पता है बहुत इरिटेशन होता है। विलेजर को लाने में भी इरिटेशन है, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन फिर भी यार 2 विलेजर ले काम ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे 3-3 ब्लॉक के हाइट, मतलब आगे ले जाना है 3 ब्लॉक पर, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, पूरा प्लेटफॉर्म एक बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। जल्दी से एक प्लेटफॉर्म पूरा यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। चलिए, और विलेजर को मैं सिर्फ 2 विलेजर लाऊंगा, और वो भी मैं दिखाऊंगा नहीं यार कैसे लाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो बहुत इरीटेट होते हैं। मैं रेलवे लाइन भी बिछा दूँ ना पूरा, तब ही बहुत इरीटेटिंग होते हैं वो लोग, बहुत इरीटेट करते हैं। तो 2 विलेजर मैं कोई बच्चे ले आऊँगा, मैं 2 विलेजर, और फिर उन्हें बड़ा करके, उन्हें ब्रीड करके पूरा मैं काम कर लूँगा। और गाइस आप मेरे टूल्स देख सकते हैं, पूरे आर्मर टूल्स सब गया हुआ है। हेलमेट तो मतलब ख़त्म ही था वो, तो इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया, नहीं तो अगर कहीं भी अगर यूज़ हो जाता गलत में तो वो टूट जाना था उसे, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, चारों ब्लॉक 4 कोने पे रख दिया हम लोग ने, ठीक है। आर्मर आप देख सकते हैं हमारे गया हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि यार जो मैंने बनाना, मैंने जो काम शुरू किया उसमें बहुत ही यूज़ हुआ था ये आर्मर को, ऊपर से गिर गिर के मैंने टूटने वाला था पूरा, और मॉब आते थे इतने अंधेरे में, तो इसलिए टूल्स का भी और बनाने पिकैक्स का आपको ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये जो दिख रहा है बगल में वो कुछ नहीं है गाइस, ये अभी ऐसा नहीं दिखेगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा चेंज हो चुका होगा, डिटो चेंज, ठीक है। सबसे पहले तो बेड ले लेते हैं हम लोग अपना, ठीक है। अब मतलब मान लीजिए आपका आयरन फार्म 20% बन चुका है, ये 20% आयरन फार्म आपका बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड हो गया यार, बाकी सब बेड रख देते हैं, जितना बेड नहीं चाहिए अभी, ठीक है। बार बार कलेक्ट करने आना पड़ेगा गाइस हम लोग को बेड, एक बेड बचा है, एक सेकंड फिर से कर देते हैं, रख देते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सब बेड हो गए पूरे इतने, और यहाँ सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। वाटर बकेट लगा के ऊपर चलते हैं बेड लगाने सब, ठीक है। बीच में रात हो गया तो मैं सो गया था उसमें, तो वो सब दिखाना ज़रूरी नहीं होता ना, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और ये बहुत अनोइंग है पानी में चढ़ना, ये चढ़ो, ठीक है, चढ़ गए हम लोग। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बेड कैसे लगाना है वो अब समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्काफोल्डिंग पहले लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि वो इजी होगा यार स्काफोल्डिंग में, बहुत अनोइंग है पानी। चलो बेड लगा देते हैं, कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ, उसी तरह से आपको करिए, हाँ ठीक है। बेड कैसे लगाना है वो समझाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सब जगह पर बेड रख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। वैसा कोई ज़रूरत नहीं है और किसी टूल का, सबसे पहले बेड को आप पोजीशन में देखिएगा, मैं कुछ बताऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे लगाना है, ठीक है। एक इस तरफ से उल्टा, मतलब एक ब्लॉक आप रख लीजिए, ठीक है,
चलो ये हो गया यहाँ पे, और फिर चारों कोने ऐसे ही करना है, चारों साइड में ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए इस साइड भी हम लोग ऐसे करेंगे, और फिर इस साइड भी ऐसे करेंगे। एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ना है आपको, मतलब एक एक ब्लॉक जो गैप होता है ना वो छोड़ना है, ठीक है। चलिए अगले ब्लॉक पे चलते हैं अब हम लोग। चलो यहाँ पर से अब एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे करना है, और एक ब्लॉक का गैप मतलब आपको कैसे समझाऊँ, मतलब एक ब्लॉक का गैप रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे जैसे मैंने छोड़ा है। चलो अब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक इस तरह से उल्टा लग गया। ये उल्टा लगाना मतलब आपको एक बेड का जो जिस तरफ पिलो का वो शेप बना हुआ है ना, उस तरफ से लगाना आपको मतलब, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था मैं बोलूँगा नहीं, इसमें बहुत ट्रिकी हो जाएगा ये पार्ट। बाकी बस ये कोनों में ही था, साइड्स में ही था इतना दिक्कत, बाकी सब टाइम में फिर ठीक है, फ्रेंडली रहेगा वो। चलो ये, अरे यार आर्मर ही तोड़ के मानूंगा मैं उसको अपना। चलिए और बेड लेके आते हैं हम लोग गाइस अपना, तो मैं बेड लाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग बेड लेके आ चुके हैं, ठीक है, पूरा मैंने बेड खाली कर दिया चेस्ट में से। चलिए अब तो लगाते हैं, कैसे लगाना है यहाँ पे भी ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ईजी हो चुका है बेड, मतलब पूरे आयरन फॉर्म में सिर्फ बेड का ट्रिकी पार्ट था, बाकी कहीं नहीं। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर फिर हमें बेड किस तरह से लगाना है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है आपको। ये नॉर्मली अब बेड है यहाँ पे, मतलब आप इसे आँख बंद करके भी लगा सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो ये ईजी है, ठीक है। मतलब आपने पहले माइनक्राफ्ट खेला ही होगा तो वो तो ईजी होगा ही आपके लिए, ठीक है। सिर्फ दो बेड बचा है, अब जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है इतना बड़े से सब, अब यहाँ फिल करना है आपको, ठीक है। देखिए बीच में भी एक ब्लॉक हमने छोड़ा है, ठीक है, तो इसका भी यूज़ है यार, इसका भी यूज़ है, ठीक है। क्या यूज़ है वो मैं बताऊँगा, बीच का नहीं मतलब साइड साइड ब्लॉक जो है ना उसका यूज़ है, क्योंकि कवर करने का एक अलग पैटर्न होना चाहिए, तो विलेजर आके ब्लॉक के नीचे ही सो जाते हैं, है उनमें ये चीज़, हाँ नीचे आके सो जाते हैं वो, ठीक है। चलो सब ब्लॉक निकाल लेते हैं अपना, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर जहाँ जहाँ फिल करना है ना आपको मैं वो बताता हूँ कहाँ कहाँ फिल करना है, ठीक है। देखो कैसे बेड के ऊपर लगाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि बेड रॉक एडिशन में लगता नहीं है वैसे ईजी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये इस तरह से ब्लॉक, ठीक है, ये देखिए कैसे कैसे मैं लगा रहा हूँ वो देखिएगा सिर्फ, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, आपको बस देखना है कि मैं कैसे लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे मैं लगा रहा हूँ वो आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे लगाते हैं हम लोग। तो गाइस अब यहाँ पे बेड के ऊपर ऊपर लगाना है सिर्फ हमें, अब इसे पूरा कवर कर देना, मतलब पूरा एक रूफ बना देना है इसके ऊपर, ताकि ये दिखे ना बेड, ठीक है, किसी को भी ना दिखे। चलिए अब यहाँ पे नॉर्मली इजी है ये चीज़, ठीक है, ये सिर्फ रूफ़ बनाना है आपको, तो अब मैं डायरेक्ट आपको रूफ़ बना के ही मिलता हूँ, ठीक है। चलिए तो गाइस हम लोग ने यहाँ पे रूफ़ बना लिया पूरा, मतलब देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बन चुका है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे विलेजर्स रहेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए एक नहीं, मतलब जितने विलेजर, मतलब मैं बताता हूँ कितने विलेजर, 20 विलेजर चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए हमें, ठीक है। तो हमें अब यूज़ करना है यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल, ठीक है। अब फ्लेचिंग टेबल कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक पैटर्न है इसका भी, पैटर्न कैसे रखना है हम लोग को, तीन सबसे पहले बेस बनाना है, ठीक है, बेस हमने बना लिया है। चलो अब चारों तरफ यही करना है सबसे पहले, तो बेस बनाने के बाद, उसके बाद चारों तरफ बेस बनाने के बाद इसके ऊपर एक रखना है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कैसे रखना है यार, बहुत ट्रिकी पार्ट था ये आयरन फार्म भी, मतलब आप कह सकते हैं ईजी, मतलब ईजी आयरन है लेकिन बनाने के लिए भी बहुत ट्रिकी है ये चीज़, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, मतलब क्राफ्टिंग टेबल कह रहा हूँ मैं, फ्लेचिंग टेबल ऐसे रख दिया हम लोग ने, और अब यहाँ पे रखना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया पूरे 20 के 20 हैं ये, मतलब इसको बनाने में बहुत टाइम लगा यार, क्योंकि फ्लिंट यार बहुत हार्ड है, तोड़ते रहो 20 निकालते 20 भी नहीं निकालना होता, 40 निकालना होता, क्योंकि दो चाहिए होता है एक बनाने के लिए, जान निकल जाता है यार वो चीज़ें, ठीक है। अब तो कवर स्टोन कैसे रखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबको कवर, जहाँ जहाँ स्पेस दिख रहा है ना आपको फ्लेचिंग टेबल के बीच में, वहाँ वहाँ आपको रखना है, ठीक है पूरे। चलो ये रख दिया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। चलो ये फिल कर दिया, पूरा फिल हो चुका है। अब यहाँ पे विलेजर्स आएंगे, ठीक है, वो पार्ट मैं कट करूँगा, विलेजर कैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अनोइंग था ये पार्ट, ये मैं वॉइस डब करने लगा बीच में, यहाँ पे बहुत अनोइंग था ये पार्ट, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे बीच में टॉर्च लगा देते ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो, क्योंकि यार यहाँ पे रूफ लग जाना है, फिर मॉब स्पॉन होते ही रहेंगे होते ही रहेंगे होते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब विलेजर्स के आने के बाद ही हम लोग मिलते हैं, तो चलो मिलते हैं विलेजर्स के आने के बाद। तो गाइज विलेजर्स आ चुके हैं यहाँ पे और मैं बीच में अटक गया था, और विलेजर्स आते ही बिल्ली स्पॉन हो चुकी है, मतलब कैट स्पॉन हो चुके हैं, और दो आयरन गोलम भी स्पॉन हो चुके हैं। मतलब बेड का इतना इतना मारा मारी है नीचे, मतलब ये लोग सोना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, विलेजर्स आए ना तो एक रात रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि रात होती है उनको बेड चाहिए होगा, बेड नहीं मिलेगा तो वो फिर आयरन गोलम स्पॉन कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, बेड नहीं मिल रहा, सो नहीं पाएंगे, दिन नहीं हो पाएगा, तो सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी नहीं, सबसे पहले तो मारना पड़ेगा। ओ शिट, ओ शिट, नहीं नहीं, 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 नहीं मेरा आर्मर गया मेरा। हाँ चाचा नीचे आ जा, नीचे आ जा, ये उतरेगा नहीं क्योंकि ये जंप ही नहीं करते, ये मर जा यार प्लीज़ भाई, इसका हर्ट भी तो इतने होते हैं इनके, यार प्लीज़ मर जा यार। चलो ऊपर चलते हैं हम लोग, बहुत डरावना है इसका ये भाई, यहीं से ना मार दे हमें। चलो हम लोग तो मार पा रहे हैं, ये ना मार दे बस। ठीक है गया, यस गया, एक आयरन गोलम गया, अब और ना स्पॉन हो जाए। ठीक है, अभी तक एक ही है, यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं, मतलब आप समझिए क्या है कि यहाँ पे हमारा आयरन फार्म सही से काम कर रहा है। ठीक है, ये अरे यार ये नीचे गिर गया, अब हमें फिर से यार एक और आयरन गोलम इन्होंने स्पॉन कर लिया, कितने बदतमीज़ हैं ये लोग यार। ये मैं आयरन गोलम को मार के नाप से मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अनोइंग हो जाएगा ये। तो गैस मेरे आर्मर का हालत तो आप देख ही सकते हैं, यस मैं मर के आ चुका हूँ, एक्सपी भी ख़त्म हो चुका मेरा। ये आयरन गोलम के बीच में गिरना ना ईजी नहीं होता गैस, इसलिए ये थोड़ा ट्रिकी था। चलो तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आयरन गोलम को मारेंगे, ये इस आयरन गोलम को ख़त्म करना है, वो भी नहीं मेरे पास ना, वो बहुत दिक्कत है। चलो ये तो जाएगा, बस एक और लगना है इसको शॉट, फिर ख़त्म है इसका कहानी, जल्दी से मरे। और देख सकते हैं दो बच्चे भी नीचे विलेजर्स के, वो बड़े होते ही आयरन गोलम और जल्दी स्पॉन होना शुरू कर देंगे अब। ठीक है, चलो एक गया, अब यहाँ पे इसे हम लोग कवर कर सकते हैं अब ये रूफ को। चलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं रूफ को, और अंदर आयरन गिरे हुए हैं यार, मुझे वो आयरन चाहिए तो, लेकिन छोड़ो यार इससे ज़्यादा मिलने वाले हैं, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। और एक सेकेंड, दो आयरन गोलम फिर से नहीं यार, ये बहुत इरिटेटिंग है यार। नीचे 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 चल, नीचे चल, मैं मारना नहीं चाहता, मैं मारना नहीं चाहता, प्लीज़ प्लीज़ यस नीचे जाओ, इसे मॉब मार देंगे, नहीं तो ये मॉब को मार देगा, ये ख़त्म ही होना एक दिन। तो एक सेकंड, सबसे पहले मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जितने भी आयरन गोलम स्पॉन होते हैं यहाँ पे सबको आपको मारना पड़ेगा, तभी फिर आयरन गोलम में स्पॉन होगा अगला, क्योंकि ये दो आयरन गोलम के स्पॉन बाद स्पॉन करते ही नहीं है ये विलेजर्स, पता नहीं इन्हें क्या है, ये दो आयरन गोलम के बाद स्पॉन करेंगी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, नीचे गिर रहे हैं, मैं ख़त्म कर दूंगा इन्हें। ठीक है, अब हमें बनाना है किलिंग चेंबर, जहाँ पे आयरन गोलम आके मरेंगे। ठीक है, तब कैसे मरेंगे और कैसे बनेगा किलिंग चेंबर, तो आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, तब तक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस अभी हमें, अरे यार, अरे मैं एक कॉबलस्टोन के चक्कर में मैं गिर गया। चलो वापस ऊपर चलते हैं जल्दी से, एक सेकंड टकरा कहीं। ठीक है, चलो और स्काफ होल्डिंग चाहिए होगा या फिर इतना ही था मेरे पास। चलो चलो अब कैसे बनाना है किलिंग चेंबर वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है और स्काफ होल्डिंग है। ठीक है, चलो स्काफ होल्डिंग पहले लगा देते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ पे किलिंग चेंबर बनाना थोड़ा सा हार्ड है, कैसे बनाना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल बना देना है यहाँ पे, ताकि पानी बाहर ना जाए। ठीक है, पानी के लिए होता है ये। चलिए और आगे लगाना है, रात हो गया एक तो सबसे पहले। ठीक है, तो उसको भी दिन करना पड़ेगा हम लोग को, जल्दी से कंप्लीट करना है ये। चलो ये कौन जो कॉर्नर्स है ना ये हमें तोड़ने हैं। ठीक है, कॉर्नर्स का याद रखना है, ये सब तोड़ने हैं हमें कॉर्नर्स। और फिर एक सेकेंड, वो कॉबलस्टोन हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉबलस्टोन ज़्यादा नहीं है, एकदम बिल्कुल मेजरमेंट के साथ कॉबलस्टोन लाया है हम लोग ने। और देख सकते हो उधर आयरन गोलम लड़ रहा है, नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा, नहीं तो वो कुछ कर ही देगा, या फिर मैं ही मार दूंगा आके। ठीक है, तो ख़त्म तो उसे होना ही होना है। चलिए ठीक है, चलो जल्दी कंप्लीट करते हैं इसे, और मैं दिखाता हूँ कंप्लीट करके कैसा लगता है ये, क्योंकि बीच में बहुत अनोइंग हो जाएगा फिर यहाँ पे ये। ठीक है, चलिए तो गाइस ये वॉल पूरा हो चुका है यहाँ पे अपना। ठीक है, डबल लेयर ब्लॉक लगाना था, मतलब वॉल लगाना था, और यहाँ पे हम लोग मिडिल ब्लॉक अपना काउंट करेंगे, मिडिल ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग अपना लगाएंगे चेस्ट और हॉपर्स। ठीक है,
चेस्ट और हॉपर कैसे लगाना है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी नहीं है। चेस्ट को लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक ब्लॉक चाहिए होगा जो कि हवा में तैर रहा होगा। यस, चलिए अपना चेस्ट और हॉपर लगाते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल के ऊपर ना हमें हॉपर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉबल स्टोन लगा के यहाँ पे एक चेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड, चेस्ट सबसे पहले तो हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें डबल चेस्ट लगाना और यहाँ पे डबल चेस्ट ऐसे लगेगा नहीं। चलो एक से तोड़ लेते सबसे पहले तो, और ये कलेक्ट हो जाएगा वापस से। ठीक है, एक मैं बाहर से लगा दूंगा जाके, और हॉपर यहाँ पे लाना है, और ये ठीक है कम्प्लीट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये हॉपर लग चुका है और बारिश भी शुरू हो चुका है, यार ये क्या है। ठीक है, चलो अब ऊपर चलते हैं, बाहर से हम लोग चेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड सबसे पहले तो यहाँ पे, अरे यार हम लोग नीचे ना गिर जाएं, गिर गए। चलो क्रीपर है अगल बगल, यार जल्दी से भागना पड़ेगा हमें सोने के लिए, जल्दी करते हैं सो के मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बाय। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट खोलने के लिए हमें यहाँ पे स्टेयर चाहिए होगा, तो स्टेयर हमने लगा दिया कॉबलस्टोन का। ठीक है, तभी चेस्ट खुल पाएगा यहाँ पे ना हमारा, इसलिए चेस्ट लगाना मतलब स्टेयर लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है हम लोग, अब यहाँ पे वाटर फ्लो बनाना है, मतलब फ्लो कैसे बनेगा वो हमें बनाना है। ठीक है, अब चलिए तो वो बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऊपर, चलिए ये ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पर फिर तीनों ब्लॉक इस तरफ, मतलब तीन ब्लॉक ऐसे रखना हमें ताकि यहाँ पे लावा आ सके। ठीक है, लावा हमें डालना है यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लावा सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग अपने इन्वेंट्री से, और साइन बोर्ड्स, और यहाँ पे गेट, फेंस गेट लगाना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग लावा और साइन बोर्ड और फेंस गेट निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स कैसे लगाना है वो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इस तरफ लगाना है, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे मतलब एक चेहरा बना देना आपको यहाँ पे, मैं बेसिकली अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो। चलो एक यहाँ पे ब्लॉक लगा के यहाँ पे फेंस गेट खोल देंगे हम लोग, और यहाँ पे ये कॉबल स्टोन हटा देना है। ठीक है, चलो ये हटाया हमने। चलिए अब यहाँ पे ऊपर चढ़ के हमें लावा लगाना पड़ेगा, जो कि सबसे ट्रिकी पार्ट है, रिस्की भी है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम लोग यहाँ पे लावा डालेंगे अपना। ठीक है, वाटर बकेट सब नीचे ले लेते हैं अपना, अब यहाँ पे लावा बकेट डालेंगे। ठीक है, ये चलो यहाँ पे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको रुको रुको, यहाँ पे आग लग रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो पानी डाल देते हैं। अरे नहीं, गए 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 गए, यहाँ पे लावा आ रहा है, वो उसने फेंस गेट जला दिया। भाई 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 भागो 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 यहाँ से, आयरन गोलम नहीं तो मार देगा, नहीं तो लावा मार देगा हमें। यार ये क्या हो गया, फेंस गेट जल गया, तो इसे रोक कैसे सकते हैं यार हम लोग, कोई और टेक्निक लगाना पड़ेगा शायद। हमें यहाँ पे चाहिए होगा नेदर का, वो जो नेदर वुड होता है ना वो चाहिए होगा हमें, तो वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कुछ देर में। तो गाइस चलिए अब हमें यहाँ पे अपना क्रिमसन फेंस गेट लगाना है जो हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, नेदर से। ठीक है, चलो ये एक लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अब टेस्टिंग करना है कि यहाँ पे ये काम करेगा या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कैट्स ना बहुत आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग फार्म भी बन चुका है, वाओ। ठीक है, यहाँ पे वाटर फ्लो पूरा बना देते हैं, और ये यहाँ से तोड़ लिया। ठीक है, चलो अब लावा लगाना, ओ यहाँ पे काफ़ी किया आयरन गोलम, यार बहुत बढ़िया, यहाँ पे लावा लगा दिया, ओ खुद ही मर जाएंगे हम लोग जल्दी। अरे नहीं नहीं नहीं, आयरन गोलम मार देगा, चलो 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 निकलो निकलो निकलो, यस यस बस बच गए, बस बच गए। चलो और ये अपना आयरन फार्म बिल्कुल सही काम कर रहा है, आयरन गोलम मर भी रहा है अपना। ठीक है, थोड़ा हेल्थ बढ़ा लेते हैं अपना गाइस। चलो एक आयरन गोलम मरा, ठीक है, और यहाँ पे कैट भी मरेंगे, तो मतलब छोटा स्ट्रिंग फार्म भी बन जाएगा ये। चलो और यहाँ पे लीव्स लगाने थोड़े से साइड्स में, वॉल पे थोड़े डेकोरेशन के लिए लीव्स लगा लेते हैं हम लोग। चलो ये लीव लगा लिया हम लोग ने यहाँ पे पूरा, जल्दी जल्दी लगाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मोटा काम है, ये जल्दी लगाना है हम लोग को। चलो चलो बाउंड्री वॉल पे सब जगह, और एक कैट्स मर भी चुकी है, तो मतलब उसका स्ट्रिंग भी हमें मिल चुका होगा, तो एक छोटा सा स्ट्रिंग फार्म भी बन चुका है गाइस ये, क्योंकि जहाँ विलेजर वहाँ कैट्स अपने आप ऑटोमेटिक स्पॉन हो जाती हैं कैट्स, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है अपना आयरन फार्म। ठीक है, एक स्काफ होल्डिंग सबसे पहले तो ये सब पौधे तोड़ने पड़ेंगे हमें। अरे यार मैं गलत जगह क्यों जंप करता हूँ, मेरा आर्मर टूटेगा आज, ये पक्का है आर्मर टूटेगा, और ये आयरन गोलम को मुझे मारना पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर सही से स्पॉन नहीं होंगे। सबसे पहले तो एक सेकेंड, जल्दी 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 यहाँ पे ये आयरन गोलम मारो इसे सबसे पहले तो। चलो
ये फ़ायदा इसमें ये है ना कि अगर हम ये किसी और को मारते रहेगा और फिर हम लोग मारेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगा। कर लिया। बच्चों चलो मरेगा। अब ये मरेगा, बहुत बढ़िया, एक गया, चलो बहुत बढ़िया। अब सही स्पॉन होगा ये, ठीक है, चलिए। ओ क्रीपर, नहीं भाई 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 तुम नहीं भाई, प्लीज़। ये सब मैं रैप अप करता हूँ, फिर जल्दी सबको मैं ऊपर मिलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं, अब कुछ देर तक वेट करेंगे यहाँ पे कि एरेंगुलम स्पॉन होगा यहाँ पे, देखते हैं। और ये हो चुका है, बहुत बढ़िया, एक एरेंगुलम स्पॉन हो चुका है और ये दूसरा भी हो चुका है, दोनों मरेंगे एक साथ। मरो, चलो बहुत बढ़िया, यस। इसी तरह खाना ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक एरेंगुलम तो गया, एक और जाएगा, अब जल्दी से जल्दी जाओ। चलो बहुत बढ़िया, एक और स्पॉन हो चुका है गाइस यहाँ पे। इसी तरह ये मरते रहेंगे और हमें आयरन, बहुत सारे अनलिमिटेड आयरन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये इसे भी मरते देखते हैं हम लोग, हमें ही देख रहा है ये पूरी तरह से, बहुत बढ़िया, देखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, मरेगा तुम। चलो एक और गया, ठीक है, तो ये भी मर चुका है और हमारा आयरन फार्म भी कम्प्लीट हो चुका है गाइस। इतना ही था आयरन फार्म में, बहुत ईजी था ये, आप अपने किसी भी सर्वाइवर वर्ल्ड में, अपने सर्वर में कहीं भी बना सकते हैं आप इसे, ठीक है, बहुत ईजी है, बिना ट्यूटोरियल देखे भी बना सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए और फिर बनाइए अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में जाके। और देखिए एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है, तो ये बहुत यूज़फुल है। एक घंटे में आपको कम से कम नहीं तो 4 स्टैक आयरन मिल जाता है, हाँ 4 स्टैक आयरन मिल जाता है एक घंटे में सिर्फ, ठीक है। अभी तो सिर्फ मुझे खड़े हुए 5 मिनट हुए हैं और यहाँ पर 5 से 6 गोलम आके मर चुके हैं यहाँ पर मेरे, 5 मिनट में नहीं पूरे 2 मिनट हुए, सही में 2 मिनट में हुए और यहाँ पे 4 से 5 गोलम आके मर चुके हैं और एक और आ गया, देखा, बहुत यूज़फुल फॉर्म है गाइस ये, बहुत यूज़फुल फॉर्म है, ठीक है। अब मैं चेस्ट पे दिखा देता हूँ आपको कितने आयरन हुए हैं हमारे, ठीक है। जल्दी से पहले इसे मरने देते हैं हम लोग, ठीक है, चलो ये तो गया ही, और हम लोग नीचे चलते थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और, ठीक है, यहाँ तक हम लोग जाएंगे और अपना चेस्ट खोल के देखेंगे, 22 आयरन हो चुके हैं गाइस, 22 आयरन, वाओ 22 आयरन हो चुके हैं। और नीचे क्रीपर भी है, आई थिंक क्रीपर है नीचे, नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट अब। और यहाँ पे हम लोग अपना स्काफोल्डिंग निकालेंगे और ऊपर चलते हैं और देखते हैं तमाशा ऊपर चल के, और वीडियो एंड भी वहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे लीफ का टेक्चर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे ये तो कम्प्लीट हो चुका है, बहुत मज़ेदार था ये आयरन फार्म और अपना काम हो गया पूरा कम्प्लीट। आयरन हमें अनलिमिटेड मिलते रहेंगे, बहुत बढ़िया। चलो ये 10 आयरन और ये जो फ्लावर हमें मिले थे मारने पे, ये सब हम लोग नीचे गिरा देते हैं और उसको जल जाएगा उस चेस्ट में और ये अपने नाम हो जाएगा। चलो ये मैंने ऋषभ से छुप के भी बनाया क्योंकि उसे सरप्राइज देंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस मैं ऋषभ को तो बाद में दिखा दूंगा, लेकिन चलिए आज के वीडियो से ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये आयरन फार्म बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह आयरन फार्म बनाइए और आयरन पाइए, ठीक है, ये आज का मोटो।